मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और बारिश को काफी बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है मुंबई में। आप देख पा रहे हैं यार, बहुत मजा आ रहा है। मतलब काफी दिनों के गर्मी के बाद राहत मिली है मुंबई घर को। और आज का व्लॉग बनाने का मेन इम्पोर्टेंस यही है कि ये पहली बारिश को मैं कैप्चर कर लूं अपने कैमरे में और दिखा दूं कि मतलब ये कैसे दिखता है, कैसा नजारा है यार। तो काफी अच्छा लग रहा है यार, बारिश हो रही है। बारिश में बाइक चलाने का मजा कुछ अलग ही रहता है। मतलब अभी क्या जो बाइक चलाते हैं उनको ये पता ही है। पहली बारिश जब होती है तभी बाइक थोड़ी संभल के चलाया करना जरूरी बहुत है। ये पूरा रोड पे कीचड़ हो जाता है, कीचड़ में बाइक स्लिप हो जाती है। अभी तक रोड पूरी तरह से धुला नहीं है। दो तीन बड़ी बारिश हो जाएगी तो पूरी तरह से रोड धुल जाएगी और उसके बाद जो भी मट्टी है या पत्थर से सब निकल जाएंगे। तो पहले दो तीन बारिश में काफी संभल के चलाना चाहिए क्योंकि स्किड हो जाती है बाइक, कीचड़ की वजह से स्किड हो जाती है। सामने अपने स्विगी के डिलीवरी बॉय डिलीवरी कर रही है इतने बारिश में भी, तो यार हैट्स ऑफ टू देम। आज का माहौल यार क्या बताओ यार, मजा आ रहा है बाइक चलाने में काफी टाइम के बाद। एक शॉर्ट ट्रिप तो बनती है बारिश में, जाना जरूरी है लोनावला। तो शायद मैं सोलो ट्रिप करूंगा या फिर देखूंगा मेरे कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं और हो सके तो कल के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन कल एक अपॉइंटमेंट है तो मे बी नेक्स्ट संडे देखते। ये लोगों को लगता है कि मोटर व्लॉगिंग करना काफी आसान होता है, लेकिन यार क्या है मतलब इसमें यार, खुद ही बात करो, सुनने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला कुछ नहीं है व्लॉगिंग में, या तो फिर दूसरे इसमें आप एटलीस्ट किसी को इन्वॉल्व कर सकते हो। लोगों को लगता है मोटर व्लॉगिंग बहुत सिंपल होती है, कैमरा लगाए तो चल पड़े, लेकिन यार ये कैमरा लगाओ फिर कॉन्सेंट्रेशन करो बाइक पे, उसके बाद बाइक भी चलाओ, तो मोटर व्लॉगिंग लगती है उतनी आसान नहीं है। तो काफी प्रैक्टिस करना पड़ता है मोटर व्लॉगिंग के लिए। दोस्तों जो जो बाइक चलाते हैं रोड पे, उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि बारिश शुरू हो गई है, अपने बाइक का सर्विसिंग करा लो, ब्रेक पैड्स देख लेना, ब्रेक पैड चेंज करो, मेंटेन करो गाड़ी को, क्योंकि बारिश में ही ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। गाड़ी का मेंटेनेंस अगर ठीक से नहीं रखा होगा तो ब्रेक पैड की तो दिक्कत आती रहती है, बारिश में उड़ते रहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे नहीं चेंज कराओ, बाइक को सर्विस करा लो बेहतर होगा। मेरे बाइक की सर्विस ऑलरेडी हो चुकी है, फिर भी मैं एक बार इसको सर्विस करा के लेने वाला हूँ, क्योंकि अभी बारिश चालू हुई है और बारिश में गाड़ी मेंटेन होना काफ़ी सेफ माना जाता है। अगर गाड़ी मेंटेन नहीं है तो कुछ भी दुर्घटना घट सकती है, ब्रेक नहीं लग सकते, गाड़ी ब्रेकडाउन हो सकती है आपकी। यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गया है, वो बारिश में यही दिक्कत होती है कि वाटर लॉगिंग हो जाता है लो साइड एरिया में, लो राइज एरिया में। बारिश की बूंदे जो मुंह पे लगती है यार, हा हा हा, क्या मजा आ जाता है यार। मान लो मसाज हो रहा है, फेस मसाज हो रहा है बिल्कुल। आपको भी ये पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है यार बाइक चलाना बारिश में, और ये जो चुपती हुए बूंदे अपने चेहरे पे जो लगती है ना, हा हा, क्या फेस मसाज होता है। चलो पवई लेक की सिचुएशन देख लेते, पवई लेक अभी कैसे दिख रहा है यहाँ पे।
रॉयल लेक में आप जाओगे तो आपको एक नज़ारा देखने बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग कबूतर को दाना खिलाते हैं, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में कबूतर आते हैं। और मुंबई में अगर बारिश गिरती है तो ये एक पिकनिक स्पॉट है, टूरिज्म स्पॉट है, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। हम जरा ऊपर से देख लेते, वहाँ पे कोने में लोग फिशिंग कर रहे हैं, पता नहीं वहाँ तक कैसे गए लोग, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे फिशिंग करने के लिए आते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पवई लेक, यहाँ पे भी फिशिंग कर रहे नीचे दो लोग। तो गाइस मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो ना तो कंटेंट को ढूंढो मत, अगर कंटेंट को ढूंढोगे ना तो यार कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जस्ट अपना कैमरा लगाओ, जो दिख रहा है बस उसे कैप्चर करो, एंजॉय करो, कंटेंट खुद ब खुद बन जाता है रोड पे, तो फेक कंटेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कंटेंट आपको मिल ही जाएगा। नीचे क्यों आया मुझे नहीं पता, ठीक है कोई नहीं। थोड़ी देर होगी, कोई नहीं, हम आगे और एक जगह है वहां पे जाके जरूर आगे बढ़ेंगे। तो आज के बारिश ने काफी राहत दे दी है और काफी लोग अभी पिकनिक का प्लान बनाएंगे बरसात में जाने का, कहाना का पे तो जाएंगे लोग जरूर। मुंबई में बहुत सारी जगह है जहाँ पे लोग विजिट करते हैं, जाएंगे मरीन ड्राइव, जुहू चौपाटी, लांशान, हवाई लेक और बहुत सारी जगह। तो चलो एक बार यहाँ पे जाते हैं हम लोग, सी यहाँ पे क्या सी है। तो बच्चे लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। पानी काफी पीछे गए यार, तो इसकी साफ सफाई नहीं हो चुकी है, आप देख रहे हो काफी झाड़ यहाँ पे उनके, तो लग रहा है अभी इसकी साफ सफाई करेंगे लोग। तो अक्सर ये पानी यहाँ तक उधर स्टेयर था, लेकिन ये साफ सफाई नहीं होने के कारण यहाँ पे झाड़ू देख रहे हमसे। ये अपना प्रिंस सॉरी, लेट्स गो।
आप लोगों में से कितनों को लगता है कि हेलमेट पे भी वाइपर आना चाहिए यार, तो पानी जम जाता है ना हेलमेट पे, कभी कभी डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन यार जो सख्त राइडर है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई हैव टू गो राइट, सीधा घर है तो भी माँ चुदा रहा था आपने वाला। कॉमेट देखिए, कॉमेट टाटा की नानो लग रही है सही।